जनपद जालौन के कोच में सीओ कोच रुक्मिणी वर्मा ने मोरंग बालू से लदे ओवरलोड दो ट्रकों को पकड़ लिया। वहीं एक ट्रक में नंबर प्लेट में नंबर सही नहीं था, जिस कारण उसे भी पकड़ कर कोतवाली में खड़ा कर लिया गया। मोरंग बालू से लदे ओवरलोड ट्रकों एवं बिना MM11 के ट्रकों पर अंकुश लगाने के लिए सीओ कोच गश्त पर थी, तभी उन्हें दो ट्रक बालू से लदे दिखाई दिए, जिन पर ओवरलोड मोरंग बालू लदी थी, जिस पर सीओ ने दोनों ट्रकों को कोतवाली में लाकर खड़ा कर लिया। वहीं एक ट्रक में नंबर न होने पर उसे भी कोतवाली में लाकर खड़ा करवा लिया गया। सीओ कोच रुक्मिणी वर्मा ने बताया कि एक ट्रक चालक मौका देखकर भाग खड़ा हुआ, जबकि दो ट्रकों के ओवरलोड होने के कारण एवं एक ट्रक में नंबर प्लेट न होने के कारण कोतवाली में खड़ा कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो आज ओवरलोड वाहन पकड़े गए, क्या कहना चाहेंगे? ये सूचना पर मैं चेकिंग करने गई तो मुझे दो गाड़ियां दिखाई दी, जिसमें एक में मोरंग बालू लदी हुई थी, ओवरलोडेड गाड़ी थी, इसलिए उसको थाने ले आए, और एक गाड़ी खाली थी लेकिन उस पर नंबर मिटा हुआ था जी। इसको भी गाड़ी को थाने लेके आए, साथ ही साथ एक और गाड़ी दिखाई दी थी लेकिन वो मौका देखकर निकल गई और उसको नहीं पकड़ पाए। दोनों गाड़ियां थाने लाई हुई हैं और उसकी अग्रिम कार्रवाई की गई थी। ब्रेव न्यूज लाइव के लिए जालौन से हरिओम बुधौलिया की रिपोर्ट। होली है होली बिहार।